पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। वे उज्जैन दक्षिण से विधायक है। भोपाल स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में सोमवार को पार्टी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगी। मोहन यादव ओबीसी वर्ग से आते हैं। शिवराज सिंह ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी विधायकों ने समर्थन किया। प्रदेश में दो डिप्टी सीएम भी होंगे, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। जगदीश देवड़ा मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ से विधायक है। देवड़ा एससी वर्ग से आते हैं, जबकि राजेंद्र शुक्ला रीवा सीट से विधायक हैं और ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष होंगे। तोमर मुरैना जिले की दिमनी सीट से विधायक हैं। हालांकि डिप्टी सीएम और स्पीकर के नाम की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है। विधायक दल की बैठक में पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर, डॉक्टर के लक्ष्मण और आशा लकड़ा मौजूद रहे। नए सीएम का नाम का ऐलान होने के बाद शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल मंगूभाई पटेल को सीएम पद से अपना इस्तीफा सौंपा। उनका इस्तीफा तत्काल मंजूर भी हो गया। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।